बट यू आर टफ इस यूट्यूब चैनल आरोप होती है सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लासेज अगर ये नहीं जानते तो आज ही जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस जहाँ आपको मिलेगी सभी बैंकिंग एग्जाम की क्लासेस फैकल्टीज रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और प्राप्त कीजिए ऑल इंडिया रैंक इन यूर बैंकिंग एग्जाम फॉर फ्री क्लासेज सब्सक्राइब टू एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज एंड प्रेस आइकन फॉर मोर अबे आर यू रेडी टू एस यूर प्रिपरेशन सलाम नमस्ते हेलो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर जो अब हो चुका है एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। भैया सभी लोगों को मेरी क्रिसमस सभी लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं भाई जीजस क्राइस्ट जैसे देवदूत अब हमारे दुनिया में और आए और खुशियों का पैगाम लाएं कोरोना को जड़ से खत्म करें जैसे उन्होंने जो बहुत सारे रोगियों को जो है एक जीवन दिया था वैसा ही कुछ अभी भी चाहिए हम लोगों को एक चमत्कार की जरूरत है और ये कोरोना वाला प्रकोप खत्म हो जाए है ना यही शुभकामनाएं हैं आप लोग को सफलता मिले सेंटा क्लॉज आप लोग के जीवन में अपार खुशियां लेके आए इस बार जो चाहे आपको आए कल एस बी आई क्लर्क का रिजल्ट आया बहुत सारे बहुत सारे लोगों को सफलता अर्जित हुई बहुत सारे लोग अगली बार सफल हो जाएंगे बिल्कुल और बहुत सारी अच्छी रिपोर्ट भी आई कि भाई आपके बेस्ट टू हंड्रेड प्लस करेंट अफेयर सीरीज से सर बहुत सारे क्वेश्चन आए उसकी वजह से हम सेलेक्ट हुए तो भाई ये सब देख के अच्छा लगता है यही सब जीत है हमारी तो भाई वो सेशन बारह बजे होता है ना सिक्स मंथ करेंट अफेयर वाला आज मैराथन में है एक बजे से आज मैराथन में है एक बजे से अलग से होने लगेगा एकदम घबराइए मत मंडे से एस बी आई अप्रेंटिस में बैंकिंग का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ जिसे बैंकिंग के हर टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसको भी आप लोग पढ़िए सुबह साढ़े सात बजे करंट अफेयर का ये शो होता ही होता है ठीक है तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग शाहिल अभिषेक सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है और सभी लोग आ जाइए और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ये तीनों शो देखना आपके लिए आवश्यक है अगर आप आगामी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस रिसेंट करंट अफेयर सिक्स मंथ करंट अफेयर और फिर ये जो आपका बैंकिंग का पार्टन तीनों को मिला के बनता है स्टैटिक जीके तो हम लोग इस करंट अफेयर में ही कर ही लेते हैं तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तुरंत और सबसे पहले आज के कोटिवे मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं ये बैंक एससी रेलवे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका महत्वपूर्ण सेशन है इसे मिस मत कीजिएगा कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए या तो लक्ष्य हासिल होगा और या अनुभव लक्ष्य जो है हासिल होगा या अनुभव कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए दोस्तों ये बस मैसेज है कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए ये छोटा सा मैसेज है कुछ यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ पॉइंट्स कट रहे हैं क्या कुछ आप लोगों का कट रहा है यहां पे अगर <coughs> क्यों मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पे कंटेंट आप लोगों का कट रहा है क्या क्योंकि यहां पे बहुत बढ़िया मेरी किस्मत से सभी लोगों को तो भैया असफलता बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया दोस्तों असफलता क्या बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोशिश एकदम आखिरी दम तक करनी चाहिए आखिरी दम तक ठीक है यहां तक ठीक है चलिए यस सर कट रहा है धीरज कह रहे गुड मॉर्निंग बिल्कुल मधुस्मिता कंचन वैभव बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इसको भी सही करवाता हूं एक मिनट का बस समय दीजिए यहाँ पे कुछ कटता हुआ दिख रहा है है ना इसके पहले कि मैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे आए कुछ यहाँ पे शुभम बिल्कुल कट रहा है एक मिनट का बस Hmm. पता नहीं अब सही हो गया अब सही हो गया बच्चों हाँ अभी तक अब स्लाइड तो नहीं कर कट हो रही है चलिए बहुत बढ़िया चलिए तो बस हो गया दो मिनट का काम था हमारी टेक्निकल मैडम जो है कि बहुत फास्ट है है ना तो सही हो गया चलिए पहला क्वेश्चन अब शुरू कर सकते हैं हम लोग डी सर्विसेज में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने परसेंट एफडीआई को मंजूरी दी है एफडीआई मतलब दोस्तों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आके व्यापार शुरू करती उसे है उसे एफ कहते हैं अलग अलग सेक्टर में अलग अलग परसेंटेज जहां कोई खतरा नहीं है वहां हम ज्यादा परसेंटेज दे देते हैं जहां कुछ खतरा है भारत के पैसे डूबने की आशंका है या भारत की सुरक्षा को लेकर बात है वहां हम हंड्रेड परसेंट नहीं देते हैं तो यहां पर हम लोग ने डी सर्विस में कोई दिक्कत नहीं विदेशी कंपनी आए हमें एक आध दो कंपनियाँ और ही मिल जाएंगी हो सकता है हमारा रिचार्ज सस्ता हो जाए जो डी टी एच रिचार्ज है तो कम्पटीटर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सस्ता ही हो जाएगा तो एफ डी आई में एफ डी आई को मंजूरी डी टी एच में दे दिया गया है हंड्रेड परसेंट डी टी एच मतलब दोस्तों क्या होता है डायरेक्ट टू होम सर्विस जो डी टी एच सर्विस है फ़ोन रिचार्ज वाली यहाँ पर यह एफ डी आई जो है हंड्रेड परसेंट हो गई है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त तो यहां पे 100 परसेंट जो है डी सर्विस हो गई आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं उसके पहले एक हां डिटेल में मैं इसलिए भी लाता हूं कि कुछ एडिशनल पॉइंट अगर छूट रहा है तो वो आपका कवर हो जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो लाइसेंस पीरियड जो क्या रहेगा अगर ये पूछ लिया जाए कि लाइसेंस जो रहेगा वो 20 साल का अब दिया जाएगा इन लोगों को विदेशी कंपनियाँ अगर डी के काम के लिए भारत में कंपनी ओपन करती है अकेले ओपन कर सकती है 100 परसेंट एफ डी का मतलब अकेले ओपन कर सकती है किसी इंडियन कंपनी से टाइप करने की मजबूरी नहीं है और दूसरी बात बीस साल का लाइसेंस भी मिल जाएगा यानी बीस साल तक का लाइसेंस मिल जाएगा उसको आराम से बेहतरीन तरीके से वो यहाँ पर काम कर सकती है अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण दोस्तों किसने किया फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण यहां पे फ्रूट्स का एक फुल फॉर्म भी है जो मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा तो फ्रूट्स का जो है यहाँ पर किसानों को लोन प्रोवाइड करने के लिए और ये सुविधा देने के लिए यहाँ पर किसने शुरू किया है तो ये शुरू किया है दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट ने किसने शुरू किया है मेरे प्यारे सुग्गा सुग्गियों कलेजा जी एक बार शेयर कर देना एक बार इस लिंक को उठा के कॉपी मार के शेयर कर देना दोस्तों जहाँ तक कर सकते हो है ना तो बिल्कुल यहाँ पर कर्नाटका यहाँ पर आंसर होगा फ्रूट्स पोर्टल को इन्होंने शुरू किया है फ्रूट्स पोर्टल को और भूमि भूमि जो है कि इनका एक अभियान है जिसके अंतर्गत ये फ्रूट्स को शुरू कर रहे हैं देखते हैं ये रजिस्ट्रेशन का पूरा एक अभियान है जिसमें जो कि बैंकों से लोन भी मिलेगा और कैनरा बैंक ने इसमें जो है सहमति जताई है कैनरा बैंक ने जो है यहाँ पे फ्रूट्स को रन करने के लिए सहमति जताई है पायलट बेसिस पर ठीक है फ्रूट्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स का जो फुल फॉर्म यहां पे आ रहा है वो है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कल रात को मैंने कोऑपरेटिव बैंक पे लेक्चर लिया था बैंकिंग का बड़ा ही बढ़िया लेक्चर है उसमें मैंने कोऑपरेटिव बैंकों से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का डिटेल में आप लोगों को समझाया है और वर्णन भी किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान टोकन भुगतान फ्लो टोकन पेमेंट फ्लो को शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ करार किया है किसके साथ करार किया है दोस्तों गूगल पे के साथ करार किया है क्लियर है तो यहां पे भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान फ्लो शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ करार किया गया है फटाफट बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा गुड मॉर्निंग भाई भावना शुभम जागृति कंचन मनीषा अभिषेक सभी लोगों को है ना बहुत सारे लोगों ने कल जो है मैसेज किया जैसे सौरभ मुंडल जो हम लोग के हुआ करते थे है ना प्रशांत हुआ करते थे उन लोगों को कल भैया सफलता मिल गई है है ना उन लोगों को कल सफलता मिल गई कुमार मानस को नै नैनीताल बैंक में कल सफलता मिल गई है बाकी लोग को एस में सफलता मिल गई सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो लोग भी अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ भैया मेरा सलेक्शन हो गया सर तो भाई मुझे भी एक संतोष मिलता है वो मेरी भी परीक्षा होती है ना तो पे यू के साथ यहाँ पर करार किया गूगल पे ने ठीक है तो यहाँ पर पे यू के साथ गूगल पे ने करार किया है दोस्तों पे यू जो है आ, उसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है हुफ में ठीक है अगर बात करें गूगल के सीईओ की तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं गूगल पे के अगर बिजनेस हेड की बात की जाए तो संजीत शिवा नंदन जी हैं हेडक्वार्टर गूगल का कहाँ है कैलिफोर्निया में है ये याद रखिएगा कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में और पे यू की बात की जाए कि इंडिया के सी कौन है अनिर्बान मुखर्जी हैं अनिर्बान मुखर्जी हैं पे यू के ठीक है चलिए तो इनके साथ करार किया है गूगल पे ने ये या आपको याद रखना होगा एक बहुत ही अच्छी इमारत है अमर सिंह कॉलेज बहुत ही पुरानी इमारत है 80 साल पुरानी इसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कारों में अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला है दोस्तों एशिया पैसिफिक पुरस्कारों में तो ये अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार जिस अमर सिंह कॉलेज को मिला है वो कहां पर है कैसा दिखता है ये अभी आप लोग को जवाब यहाँ पे देना है कैसा दिखता है मैं दिखा दूंगा कहाँ पर है यह आप लोग को बताना है अच्छा सेकेंड ईयर में है तो और अच्छी बात है तैयारी कीजिए एकदम जाबर तरीके से अभी से तैयारी कीजिए अभी से एग्जाम देना शुरू करेंगे अगले साल तक बिल्कुल आप लोग एकदम बैंक के अंदर होंगे तो ये श्रीनगर में है अमर सिंह कॉलेज ये याद रखिएगा कहाँ स्थित है श्रीनगर में स्थित है और ये अमर सिंह कॉलेज है इसे आप देख सकते हैं श्रीनगर का अमर सिंह कॉलेज है ठीक है इसको यूनेस्को के द्वारा एशिया अवार्ड दिया गया कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए ठीक है अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है दोस्तों जो विश्व की ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करता है ये कॉलेज भवन अस्सी साल पुराना है और शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इंटेच इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने अमर सिंह कॉलेज में संरक्षण का काम किया था तो यह भी याद रखिएगा इंटेच ने इसमें संरक्षण का काम किया था नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन में प्रतिष्ठित सी आई 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 टी सी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड में उत्कृष्टता से किसे सम्मानित किया गया है या अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए सी आई आई स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसको दिया गया है दोस्तों तो ये आपको बताना है अच्छा दूसरी बात यहाँ पे सी एस आर क्या होता है सी एस आर का कई बार एग्जाम में आ जाता है सी एस आर एक एक्ट है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्ट है आजकल आपको दिखता है कि कॉर्पोरेट वाले जितने उद्योगपति होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट आजकल समाज सेवा के काम बहुत कर रहे हैं ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन नीता अंबानी फाउंडेशन ये सब अचानक से कैसे हो गया दोस्तों क्योंकि भारत सरकार एक कानून लेके आई थी एक कानून लेके आई थी जिसमें जितना भी प्रॉफिट होता है जितना भी प्रॉफिट होता है तीन साल का एवरेज नेट प्रॉफिट उसका दो परसेंट जितने भी कॉरपोरेट हैं उनको समाज में खर्चा करना होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समाज ने इस सोसाइटी ने तुमको अमीर बनाया है तुमको अंबानी अडानी और पतंजलि और क्या क्या रामदेव बना दिया तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अब इस समाज को कुछ दें आप इस समाज के लिए क्या करो इस समाज ने तो आपको रईस बना दिया भाई रिचार्ज करा करा के जियो को आपने उस समाज को क्या दिया तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है दो परसेंट सभी को खर्च करना ही होता है ये कानून है अब जो इस फंड का सबसे बढ़िया यूज करता है उसको अवार्ड दिया जाता है तो हर कंपनी को यह करना पड़ता है चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो कोई स्कूल बना रहा है कोई टॉयलेट बना रहा है कोई बच्चों के जो स्कूल बना रहा है कोई एड्स वालों के इलाज करा रहा है कोई कैंसर वालों का इलाज करा रहा है कोई ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित कर रहा है जैसे लाल किला को डालमिया ने जो है कि संरक्षित करने का बीड़ा लिया था बड़ा बवाल हुआ था लोगों ने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया था कि खरीद लिया अरे वो तो अपना पैसा खर्चा कर रहा था दो परसेंट खरीद थोड़ी लिया था तो ऐसे जो है कि कोई भी समाज के काम जो है सरकार उनको सौंप देती है कि आप भैया यह काम करिए इसका सबसे बढ़िया जो है कि जो है अगर देखा जाए इंप्लीमेंटेशन किसने किया है एन ने किया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन भारत की सबसे बड़ी विद्युत जो है प्रोडक्शन जो है कि कंपनी है अगर सी की बात की जाए तो सी आई आई का हेडक्वार्टर क्या है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का न्यू दिल्ली में है कहां पर है दिल्ली में है और इसके हेड कौन है उदय कोटक साहब हैं उदय कोटक साहब जो कि आई के भी हेड हैं कोटैक महिंद्रा बैंक के भी हैड हैं यहाँ पे ये बात हमें क्या रखनी होगी याद रखनी होगी ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं एन के सी कौन है एन सरकारी कंपनियों में बेस्ट इम्प्लॉयर भी चुना गया इस बार सरकारी कंपनियों में बेस्ट एम्प्लॉयर किसको चुना गया है दोस्तों एन को चुना गया है प्राइवेट कंपनियों में एच को चुना गया है दोस्तों गुरदीप सिंह सीएमडी है 1975 में एनटीपीसी फाउंड हुई थी और न्यू दिल्ली में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है देवेंद्र फड रविश द्वारा हाल ही में जारी पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है अयोध्या एक पुस्तक जारी हुई है दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे है जो कभी श्री राम जी के जो है कि शासन हुआ करता था जहाँ पे तो अयोध्या जिसको कभी युद्ध में जीता नहीं जा सका तो बिल्कुल वहाँ श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के जो हेड हैं वो कौन है फटाफट बताइएगा यहाँ कमेंट में कि उसके हेड कौन महंत नित्य गोपाल दास जी हैं महंत नित्य गोपाल दास जी हैं अयोध्या बुक जो लिखी गई है वो किसने लिखी है दोस्तों अयोध्या बुक लिखी है माधव भंडारी जी ने माधव भंडारी जी ने लिखी है अभी कल अमित आहूजा और जयराम रमेश जी को मैंने पढ़ाया था कि दो बुक इन लोगों की है अलग अलग जिसको अवार्ड भी मिला है कल आप लोगों को बताना है वो कौन सी बुक है ठीक है फटाफट बताइएगा हुजा की कौन सी बुक है और जयराम रमेश की कौन सी बुक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं यहां पे देखिए अयोध्या में सभी राम जी हनुमान जी भरत जी सत्युधन जी सीता मैया सभी का ये हाथ जोड़ रहे हैं अयोध्या पुस्तक का विमोचन भी, भी कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है वेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है बिल्कुल बिल्कुल मेरी क्रिशमस भाई सभी लोगों को प्रतीक जी बिल्कुल सही करें नित्य गोपाल दास जी, जी बहुत बढ़िया चलिए तो फटाफट बताइए भैया सीताराम भाई सीताराम भैया 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया था जागो ग्राहक जागो ग्राहकों को जगाया जाता है जागो ग्राहक जागो तुम्हारे साथ जो भी छल कपट हो रहा है कंज्यूमर कोर्ट में आप कंप्लेन भी कर सकते हैं वी वाइस प्रेसिडेंट यानी उप हा, 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 हमारे देश के उप राष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी द्वारा हाल ही में जारी की गई एक किताब ओ मिजोरम ओह मिजोरम के लेखक कौन है ओ मिजोरम बुक्स एंड ऑथर से एक नंबर तो आता ही है जो रिसेंट में बुक्स इनोग्रेट हुई हैं उनसे क्वेश्चन मेरे भाई मेरे सुग्गा सुग्गियों मेरे चैंपियनों सब आता ही है तो भाई फटाफट से बताइए कि ओ मिजोरम के लेखक कौन है तो ओ मिजोरम के लेखक है पी एस श्रीधरन पिल्लई पी एस श्रीधरन पिल्लई है ठीक है चंचला कुमारी के सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है कोई बात नहीं तुम तय समय पे आ जाया करो चैनल पे नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए तुमको पता है ना कि साढ़े सात बजे चाहे बारिश हो बाढ़ आए ठंड आए बर्फ गिरे सर आ जाएंगे आज सुबह भूकंप भी आया था पाँच बजे मैं करंट अफेयर रेडी कर रहा था और भूकंप भी आया सुबह पाँच बजे दिल्ली में है ना <coughs> तो हर एक सिचुएशन में सर जो है कि तुम्हारे सामने उपस्थित रहते हैं तो ओ मिजोरम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों पी एस श्रीधरन पिल्लई हैं है ना तो ये भाई राज्यपाल भी तो रह चुके हैं प्रसिद्ध मलयालम कवि का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया तो प्रसिद्ध मलयालम कवि का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों अभी एम जी वैद्य का भी निधन हुआ था हाल ही में आर के थे है ना इन सभी लोगों का निधन हुआ तो बिल्कुल यहाँ पे सुगाथा कुमारी सुगाथा कुमारी मलयालम की कवि हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया 1970 के दशक में साइलेंट वैली आंदोलन को बचाने के लिए साइलेंट वैली को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसके सबसे सक्रिय कैंपेनरों में से ये थी उन्होंने कविता मराठी नु स्तुति एक पेड़ के लिए भजन भी लिखी थी सुगाता कुमारी को 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों किससे सम्मानित किया गया था पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था एक दिन मैं अभी पिछले हफ्ते रात में पढ़ा रहा था ग्यारह से बारह उस समय भूकंप आया आज सुबह भी 5 बजे भूकंप आ गया सो कार वेटलैंड को अंतरराष्ट्रीय महत्व के बयालीसवें वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है यह कहाँ स्थित है दोस्तों जो वेटलैंड में मान्यता दी जाती है ना उसको रामसर स्थल कहा जाता है क्या कहा जाता है रामसर स्थल कहा जाता है रामसर स्थल कहा जाता है ईरान का एक शहर है रामसर वहां पर संधि हुई थी वेटलैंड के लिए वेटलैंड क्या होता है दोस्तों आर्द्र भूमि जहाँ पे जीव जंतुओं के लिए सारी व्यवस्था हो पानी वानी की प्रॉपर व्यवस्था हो हर तरीके के जीव जंतु वहां पे रह सके तो यहां पे आ, सो कार वेटलैंड को यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बयालीसवें वेटलैंड के रूप में मान्यता दे दी गई है यह कहां स्थित है यह कहां स्थित है दोस्तों यह आपको बताना है कि यह कहां स्थित है फटाफट बताइएगा कि यह कहाँ स्थित है <coughs> तो यह स्थित है दोस्तों लद्दाख में लद्दाख में स्थित है लद्दाख के दो जिले हैं लेह और कारगिल लद्दाख के दो जिले हैं दोस्तों लेह है और कारगिल है आर के माथुर यहां से उपराज्यपाल है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर जी सो बेसिन एक उच्च ऊंचाई वाला वेटलैंड परिसर है जिसमें दो प्रमुख परिसर दो जुड़ी झीलें एक तो मीठे पानी की झील है स्टार्ट पशु सो और दूसरी है हाइपर सेलाइन सोकर यानी कि जो नमक वाली है जिसमें सफ़ेद झील है है ना तो वो जो है कि रामसर स्थल चुन ली गई है और ये बयालीसवीं रामसर स्थल है देश की और इस यूनियन टेरिटरी की ये दूसरी रामसर स्थल है ये इस यूनियन टेरिटरी की दूसरी रामसर स्थल है दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किस राज्य में आठ हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है दोस्तों ये भैया नितिन गडकरी जी करेंगे ना रोडकरी जी उनका नाम है राजस्थान में उन्होंने इस परियोजनाओं का शिलान्यास किया नागपुर से आते हैं नितिन गडकरी जी और भाई रोड परिवहन मंत्री के साथ साथ ये एम एस मिनिस्टर भी हैं ये एम एस मिनिस्टर भी है भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं दोस्तों कितने रामसर स्थल हो गए कितने आर्द्र भूमि हो गई है कितनी वेटलैंड हो गई है तो बयालीस वेटलैंड्स हो गए हैं लद्दाख का ये सोकर लेक भी जो है कि अब इसमें शामिल हो गया है रामसर स्थलों की सूची में ठीक है चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है कि सरकार द्वारा संचालित कितनी फिल्म और मीडिया इकाइयों के विलय को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है भाई बहुत सारी फिल्म की अलग अलग सरकारी जो है कि संस्थान बने हुए थे मूवी के फिल्म के भाई इतने अलग अलग संस्थानों की क्या जरूरत है सबको मर्ज कर दिया गया सबको एक में मर्ज कर दिया गया मिला दिया गया दोस्तों तो ये अब जो है कि कितनी हो गई हैं चार थी दोस्तों उसको मिला के एक कर दिया गया चार थी उनको मिला के कर दिया गया एक चार को मिला दिया गया है दोस्तों तो बिल्कुल यहाँ पे किसको किसको मिला दिया गया है फिल्म डिवीज़न को डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल को नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को इतने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्या ज़रूरत है ये सरकार खर्चा बचाने वाली सरकार है इनको मर्ज करने में बहुत मज़ा आता है इनको मर्ज करने में बहुत मज़ा आता है, है। इन्होंने सी एस ओ को सी एस ओ जो कि गरी जी डी पी और महंगाई की गणना करता था Office, और सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो कि गरीबी और बेरोजगारी की दरों की गणना करता था पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का इसको मर्ज करके एन एस ओ बना दिया अब एन एस ओ ही जी डी पी की गणना करता है क्वार्टरली और महंगाई की हर महीने नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस इन दोनों को भी मर्ज कर दिया था ऐसे ही ये ना देखते कहां पे क्या चीज कर सकते हैं मर्ज कर देते उठा करके है ना तो ये भी याद रखिएगा तो इन्होंने भी मर्ज कर दिया है किसको किसको मर्ज कर दिया है फिल्म डिवीजन को मर्ज किया द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल इसको मर्ज किया है एक ही अब ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी द फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को मर्ज किया है और एक ऑटोनोमस बॉडी चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी को मर्ज किया बना क्या दिया दोस्तों बना क्या दिया यहाँ एक क्वेश्चन तो यह बनेगा कि चार ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बना क्या तो बना है दोस्तों नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन एफ डी सी बना है दोस्तों ये याद रखिएगा बना क्या है इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट है दोस्तों कि बना क्या है एन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यह नया अब एक एंटिटी बन गया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं रक्षा सचिव ने रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी ने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया है हमारे देश के रक्षा सचिव कौन है हमारे देश के रक्षा सचिव कौन है भाई जो आई अधिकारी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में हाइएस्ट पोस्ट पे पहुंच गया रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह जी हैं लखनऊ से आते हैं चुनके पैदाइश चंदौली की उनकी धान के कटोरा यूपी के है ना वहां पे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लेकिन लखनऊ अटल जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं अटल जी के ही संसदीय क्षेत्र से आते हैं तो बिल्कुल यहां पे अटल जी की जगह अब ये आते हैं तो बिल्कुल यहां रक्षा सचिव की बात की जाए तो रक्षा सचिव डॉक्टर क्लियर है आगे बढ़ते हैं क्लियर है बहुत बढ़िया डॉक्टर अजय कुमार रक्षा सचिव है चलिए फोरम की मेजबानी डीजीसी की वेबसाइट पर की गई डिजिटल फोरम पूरे देश में नेशनल कैडेट कोर को एनसीसी की विभिन्न गतिविधियों में अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए मंच प्रोवाइड करेगा नीति आयोग के सीईओ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने जिस फाइल शेयरिंग और क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म की घोषणा की है उसका नाम क्या है नाम के अलावा उसका रेट भी सुन लीजिए क्लाउड स्टोरेज सुविधा ये सरकारी क्लाउड स्टोरेज सुविधा है जो नीति आयोग दे रही है दोस्तों नीति आयोग जो एक जनवरी 2015 को आई थी योजना आयोग की जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार है और सीईओ कौन है अमिताभ कांत है अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं दोस्तों इसने एक फाइल शेयरिंग और क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म की घोषणा की है तो सरकारी क्लाउड स्टोरेज है दोस्तों ये क्या है इसका डीजी बॉक्स नाम रखा गया क्या नाम रखा गया डीजी बॉक्स रेट भी सुन लीजिए रेट भी सुन लीजिए दोस्तों कि क्या है डीजी बॉक्स का थर्टी रुपए पर मंथ तीस रुपए पर मंथ पे यहां पे आपको डिजिटल क्लाउड पे आप स्टोरेज कर सकते हैं बीस फ्री स्टोरेज भी मिलेगा आप लोगों को और यहाँ पे हर महीने बीस जी फ्री क्लाउड स्टोरेज और सौ जी फ्री स्पेस दिया जाएगा और यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े भंडारण के लिए प्रतिमा मात्र तीस रुपये शुल्क लिया जाएगा ये डीजी बॉक्स जो है भारत की मेक इन इंडिया और स्टोर इन इंडिया नीति के तहत एक नई इनिशिएटिव है और यह केवल एंड्रॉयड वालों को मिलेगा ये केवल एंड्रॉयड यूजर्स को मिलने वाला है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं किस बीमारी के लिए भारत ने हाल ही में पहला भारतीय टीका विकसित किया है किस बीमारी के लिए भारत ने हाल ही में पहला इंडियन वैक्सीन जो है वो डेवलप किया है तो वो निमोनिया के लिए किया निमोनिया के लिए इंडियन वैक्सीन को डेवलप किया गया है दोस्तों भारत ने निमोनिया के लिए कौन सा इंडियन वैक्सीन डेवलप किया है आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं नए विकसित टीकों का उपयोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले निमोनिया के खिलाफ प्रतिरक्षण के लिए किया जाना है इस टीके के नैदानिक परीक्षण तीनों चरण भारत और ग्बिया में आयोजित किए गए थे यानी भारत के नागरिकों पर इम्प्लीमेंट किया गया और ग्बिया के नागरिकों पर भी इम्प्लीमेंट किया गया था यह निमोनिया का ये वैक्सीन याद है ना ठीक है ना क्लियर है ना चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसने गरीब देशों में अनसॉर्टेड प्लास्टिक के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है यानी वो वो जो है संगठन अब जो है गरीब देशों में ऐसे प्लास्टिक सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो प्रदूषण का कारण बनता है कैंसर का भी कारण बनता है तो ये डिसीजन यूरोपीय यूनियन ने लिया है अट्ठाईस देशों का एक यूनियन है यूरोपीय यूनियन और इसने डिसीज़न लिया है कि अब हमारे इन अट्ठाईस यूरोप के कंट्रीज से किसी भी गरीब देश में ऐसी प्लास्टिक सप्लाई नहीं होगी जो है जो अनंतकाल तक चलती हो ऐसी प्लास्टिक जो कि कभी ख़त्म नहीं होती तो दोस्तों ये सर्कुलर इकोनॉमी को स्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन डील किया है यूरोपियन यूनियन ने ठीक है हालांकि नए नियमों से प्लास्टिक कचरे के निर्यात को केवल उन देशों को अनुमति मिलेगी जो रिसाइकिल करना चाहते हैं जो रिसाइकिल करना चाहते हैं उनको अनुमति मिलेगी जो नहीं कर नहीं कर पाने में सक्षम है वहां पे वो लोग नहीं भेजेंगे वहां पे इन लोगों ने ये वादा किया है किस राज्य ने हाल ही में बोडो को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है दोस्तों बोडो अकार्ड हुआ था बोडो समझौता हुआ था बोडो के उग्रवादियों से बहुत सारे उग्रवादी संगठनों से जनवरी के समय में एक समझौता हुआ था ऐतिहासिक समझौता हुआ था वरना बोडो जनजाति जो है चार जिले में फैली हुई है आदिवासी जनजाति जो किसी बाहरी व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करती है चाहे वो यूपी और बिहार से आए हों चाहे वो बांग्लादेश से आए हैं तो भाई ये जो है कि राजीव गांधी जी ने इनके साथ बोडो समझौता किया था उन्नीस में वहीं से एनआरसी वाला मैटर आता है और वहीं से सी ए वाला मैटर आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला बोडो आंदोलन से ही नागरिकता संशोधन एक्ट आया है तो ये किस राज्य की ये सारी चीजें किस राज्य की ये सारी परेशानियां दोस्तों आसाम, की. आसाम के सर्वानंद सोनेवाल जी ने ये ऐतिहासिक समझौता और अमित शाह जी ने किया था बोडो लोगों से ठीक है तो यह विधेयक भारत सरकार असम सरकार और चार बोडो विद्रोही गुटों और दो बोडो संगठनों के बीच हस्ता छरित बोडो शांति समझौते के अनुसार किया गया क्योंकि तो उस समझौते में ये कहा गया था कि हम ये जो चार जिला है आपका यहाँ पे एकदम आपको एकदम पूरा आज़ादी देंगे आप लोग हथियार डाल दीजिए और आप लोगों को बहुत सारी सुविधा देंगे उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि बोडो को हम आधिकारिक भाषा के रूप में भी रखेंगे आसाम की राजकीय भाषा भी बना दी जाएगी तो बिल्कुल यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली और जो है बोडो दोनों हो गई हैं आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज भी है और यहां बंगाली भी है एडिशनल और बोडो भी अब हो गई है दोस्तों याद रखिएगा आसाम की अब आधिकारिक भाषाएं तीन हो गई हैं किस आईआईटी ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछ लेगा ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ठीक है किस आईआईटी ने इसरो के लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित किया करेगा यानी कि इसरो जो बेंगलोर में है वो अपना एक नॉर्थ इंडिया में भी एक रीजनल सेंटर स्थापित करने जा रहा है ताकि नॉर्थ इंडिया के लोगों को रिसर्च करने में आसानी हो स्पेस के क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़े बेंगलोर तो हर आदमी जा नहीं सकता इडली खा नहीं सकता तो बिल्कुल यहाँ पर अब ये जो है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा काशी वाराणसी तो यहां पर दोस्तों एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित किया है आईआईटी वाराणसी दोस्तों याद रखिएगा आईआईटी वाराणसी ये कहाँ पर है याद रखिएगा दोस्तों आईआईटी वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर का एक कैंपस है आईआईटी वाराणसी आईआईटी जो है बीएचयू कहते हैं उसको आईआईटी बीएचयू कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सबसे बड़ी रेजिडेंट यूनिवर्सिटी है जो एक टाउनशिप है जो पूरी तरीके से कहा जाए तो वहाँ पे पचास हजार लोग उस टाउनशिप में रहते हैं बीएचयू में पचास हजार लोग जो है कि उसमें रहते हैं एक ऐसा टाउनशिप है दोस्तों सोच सकते हैं आप तो बिल्कुल यहाँ पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं अब इसरो वहाँ पे सेंटर ओपन करेगा रिसर्च कराएगा लोगों को किस हिंदी समाचार चैनल को ब्रिटेन के संचार नियामक कार्यालय ऑफ कम्युनिकेशन ने हेट स्पीच देने वाली सामग्री के ब्रॉडकास्टिंग के लिए फाइन लगाया है दोस्तों हेट स्पीच में इन्वॉल्व है वो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट देती है बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये न्यूज है ये न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है है ना देखिए मेरे स्टूडेंट का का सिलेक्शन हो गया कमेंट देखो भावेश कह रहे हैं भावना सीमा रिम्पल भाई बताइए भाई किसका सिलेक्शन हो गया भाई मैं कल रात को भी 12 बजे सेशन ले रहा था बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट किए थे कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया वाह क्या बात है कृतिमा रेडी नैनी ने कहा सर गॉड सेलेक्टेड इन एस बी आई थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस आई यूश टू फॉलो योर क्लास डेली टू हंड्रेड प्लस करेंट अफेयर भाई इसीलिए तो तुम लोगों के लिए तो ये सब सेशन करते हैं यार हम तुम लोग यही तो ये मेरी परीक्षा होती है और तुम लोग का सेलेक्शन हो जाता है ना यार मज़ा आ गया मज़ा आ गया भाई बहुत बढ़िया सभी लोग जो है कि बधाई दीजिए कीर्तिमा रेड्डी नैनी जी को भाई आप पता नहीं भाई मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूँ तुम लोग को समझ में आता था कि नहीं लेकिन भाई चलो बेस्ट टू हंड्रेड प्लस करेंट अफेयर्स से भाई सिलेक्शन की संख्या कल रात को भी दो तीन बच्चों ने किया मैंने फेसबुक पे भी डाला है दो तीन बच्चों ने मैसेंजर पे किया बहुत सारे बच्चों के मैसेंजर टेल टेलीग्राम पर भी आ, कमेंट आए मैसेंजर पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मैं ना मैं तो भाई आप लोगों का ये जो अचीवमेंट है ना मैं इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लेता हूँ और फिर ना इसको मैं फेसबुक पे डालता हूँ देखो मेरे बच्चे जो है मेरे चैंपियन जो है मेरे सुग्गा सुग्गी मेरे कलेजा कलेजियों की नौकरी लग गई भाई एक तरीके का ये फेयरवेल भी होता है क्या होता है मेरे लिए बड़ी दुख की बात होती है अब ये करेंट अफेयर मेरा नहीं देखेंगे सेलेक्ट हो गए लेकिन जो है कभी कभी आते हैं ये हमारे चैंपियन भी आते हैं बीच बीच में सर आज खाली थे लंच टाइम में तो आपका करेंट आपका जो है बारह से एक का शो देख लिया तो ये यार बहुत खुशी का पल होता है हमारा लेकिन एक थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि अब यार हमारा ये जो है स्टूडेंट अब हम जो आप कमेंट कर रहा है नहीं करेगा जो अभी रोज मेरे से बात करता था है ना ऐसे ही देखो एक दिन भावेश कृतिमा है ना सभी लोग तो, तो कृतिमा के सर हम समझ जाते थे भाई आप हिंदी समझ जाते थे ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रतीक हो गए है ना जिया हो गई चंचला हो गई राजेश्वरी हो गई है ना जो ये सब भी एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे मनीषा सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो भैया यही सब दिन है यही कल रिजल्ट आया तो भाई मैं तो एकदम कह रहा फिंगर क्रॉस करके बैठा था भाई क्या हुआ होगा हमारे बच्चे बहुत सारे निराश भी हुए कहीं ना कुछ कमी रह गई लेकिन भाई हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही दस दिन जैसे ही आ गया था ना रिजल्ट अपन तो पूरा खेल गए अपन तो पूरा खेल गए थे दोस्तों और सभी लोगों को भाई हार्दिक बधाई हो अपन तो जैसे कि 20 तारीख को आया था नोटिफिकेशन की दस इकतीस तारीख को शायद एग्ज़ाम था।, था अपने पास दस दिन बचा था अपने पास दस दिन बचा था अपन जो है दो दो घंटा दो दो घंटा मैराथन बेस्ट 200 प्लस बेस्ट 200 प्लस और आखिरी दिन तो ताबड़तोड़ देखिए इंजीनियर अभिषेक गुप्ता हैं भावेश हैं इति अग्रवाल भाई सब लोग ऐसे ही एक दिन चले जाओगे हमको छोड़ के सेलेक्शन ले लेके है ना लेकिन बीच बीच में आना ना बीच बीच में आना कमेंट करना है ना बहुत बढ़िया कंचन चलिए आगे की न्यूज देख लेते हैं हिट स्पीच कौन देने में माहिर है भैया इनको तो उद्धव ठाकरे भी उठा के ले गए थे उद्धव ठाकरे भी उठा के ले गए थे ये थे हमारे कौन हमारे अर्नब गोस्वामी जी अर्नब गोस्वामी जी कौन है रिपब्लिक भारत रिपब्लिक इंडिया वाले नेशन वॉन्ट्स टू नो देश पूछता है भारत <laughs> पूछता है भारत तो भैया पूछता है भारत का हाँ लास्ट डे जो तीन घंटे का हुआ था ना मैराथन उससे बहुत क्वेश्चन आए थे और तीन घंटे की मैराथन थी मैंने साढ़े तीन घंटे ले ली थी क्योंकि तो भाई बच्चों के मैं क्वेश्चन खूब लाया था और भैया उससे कम से कम बहुत क्वेश्चन मिला था हमें हाँ देखिए इति अग्रवाल आपका भी हो गया किसका किसका सिलेक्शन हो गया बताओ किसका किसका सिलेक्शन हुआ है फटाफट बताइएगा यहाँ पे इति अग्रवाल बताइएगा किसका किसका हुआ है किसका किसका सिलेक्शन हुआ कल एस बी आई क्लर्क मेन्स में ये मुझे जानना है फटाफट बताइए कि कल के एस बी आई क्लर्क मेन्स में किसका किसका सिलेक्शन हो गया ये देखिए अभिषेक हैं ये रात में भी बारह बजे तक मेरे साथ जागते हैं फिर सुबह भी आते हैं तो भैया रिपब्लिक भारत इज एन आर्म ऑफ द रिपब्लिक टीवी रिपब्लिक भारत के सीईओ ओ अर्नब गोस्वामी हैं है ना मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो ड्रग दो मुझे ड्रग दो, दो ऐसे भाई ऐसी चीज़ के लिए ऐसे ऐसे डायलॉग के लिए बहुत फेमस है ये है ना रिया चक्रवर्ती वाले में सुसाइड में इतना किए कि इनको सुसाइड के, के केस में मुंबई सरकार अंदर कर दी तो मुंबई महाराष्ट्र 2019 में आए थे और बड़ा ही तहलका मचा दिया एक ही साल में इन्होंने तहलका मचा दिया ठीक है इंडरा इंडिया रेटिंग ने फिनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितने परसेंट लगाया है भारत की जीडीपी फोरकास्टिंग तो आपको याद रखनी होगी ना भारत की जीडीपी फोरकास्टिंग क्या रखनी होगी आपको याद रखनी होगी बताइए कितना जो है अनुमान लगाया गया है सात दशमलव आठ परसेंट सात दशमलव आठ परसेंट यह अनुमान लगाया गया ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा एक ऐसी कविता जिसने बुद्धा को डिफाइंड किया था एक पोएम आपने पढ़ी होगी द लाइट ऑफ एशिया उसका इन्होंने बहुत बढ़िया जो है कि उजागर किया है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है उस पोएम को और वो कौन है कौन है जिनको अभी कल भी एक बुक के लिए अवार्ड मिला था दोस्तों जयराम रमेश जयराम रमेश जी ने ये बुक लिखी है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा बुद्धा के ऊपर ही ये बुक लिखी गई थी द लाइट ऑफ एशिया है ना क्लियर है चलिए किस कंपनी ने प्रतिष्ठित सी आई 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 टी सी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी जीता है सी आई 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 टी सी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जिसने जीता है बिल्कुल यहां पे आंसर तो आपका एन टीपीसी होगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये तो मैंने अभी आपको बताया था अगला क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष दो में भारत के सकेल घरेलू उत्पाद का अनुमान क्या लगाया है दोस्तों एन सी ए आर एन सी ए आर दोस्तों ये भारत का आर्थिक थिंक टैंक है ये भारत सरकार का आर्थिक थिंक टैंक है दोस्तों आर्थिक थिंक टैंक है इकोनॉमिक थिंक टैंक है और ये जो है नई दिल्ली में है एन सी ए आर के हेड कौन है? UH! है नंदन नीलेकड़ी साहब है नंदन नीलेकड़ी साहब हैं जो पहले इन्फोसिस के हेड हुआ करते थे इन्फोसिस के हेड हुआ करते थे ठीक है क्लियर है और ये जो है अभी डिजिटल पेमेंट कमिटी के भी हेड थे डिजिटल पेमेंट कमिटी के भी हेड थे ये है ना जिसने एनई और आर को 24 फोर इंटू करने की सिफारिश की थी जिन्होंने एनई और आरटीजीएस को फ्री किया था जिन्होंने विदेश से आने वाले पीओएस टर्मिनल्स को कस्टम ड्यूटी फ्री करने की सिफारिश की थी पीओ टर्मिनल जिस पे आप कार्ड स्वेप करते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं एन ने कितना जी का अनुमान लगाया है दोस्तों इन्होंने लगाया है 9.5 परसेंट बिल्कुल माइनस नाइन परसेंट बिल्कुल सही आंसर आ गया है किसका किसका भावना का सही आंसर आ गया है चंचला का आ गया है मोनी कुमारी का आ गया क्या बात है शाबाश शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों अलग अलग एजेंसियों का देख लेते हैं कितना है तो मूडीज का है दोस्तों माइनस एट पॉइंट नाइन परसेंट वर्ल्ड बैंक का है माइनस नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट ए का है माइनस एट परसेंट ओ का है माइनस नाइन पॉइंट नाइन परसेंट एस का है माइनस सेवन पॉइंट फोर परसेंट किरिस का है माइनस सेवन पॉइंट सेवन परसेंट फिच का है माइनस नाइन पॉइंट फोर परसेंट एस एन पी का है माइनस सेवन पॉइंट सेवन परसेंट आर बी आई का है दोस्तों आर बी आई का है माइनस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है ना और एक्चुअल भी क्वार्टर टू का देखा जाए तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट भी है एक्चुअल भी देखा जाए अगर एन एस ओ का एक्चुअल डेटा देखा जाए क्वार्टर टू का तो वो भी माइनस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ही है क्वार्टर वन का तो माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट था है ना इसके बाद अगर देखा जाए इकरा का इकरा का इकरा का कितना है दोस्तों उसका भी माइनस सेवन पॉइंट एट परसेंट है ना चलिए तो इस तरीके से चीजों को याद कर लीजिएगा आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को इसका जो है पीडीएफ भी दे दूंगा तो ये तो मैंने कल आप लोगों को अपॉइंटमेंट पूरा कराया था ठीक है तो ये अपॉइंटमेंट तो कल के सेशन में मैंने आप लोग कराया था एक बार बैंकपुर भाई एग्जामपुर को आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से क्या कर लीजिएगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग और जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ उन लोगों को हार्दिक बधाई और जिन लोगों का कहीं से रुक गया उन लोगों के लिए भगवान ने कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी है ये बात हमेशा बांध के चलिएगा कि भगवान ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है ये अंतरिक्ष बहुत बड़ा है ये भगवान बहुत बड़ा है हम कीड़े मात्र हैं और हमारे लिए कुछ बड़ी प्लानिंग कर रखी है ऊपर वाले ने इसीलिए उसने मेरी सोच की चीज़ नहीं दी क्योंकि मेरी सोच छोटी भी हो सकती है कुछ उसने बड़ा सोचा है मेरे बारे में इसलिए आपका कुछ हमेशा जो है कि आगे के लिए सोचो कि इस गलती से हमने क्या सबक लिया यहाँ पे हमारी कहाँ चूक हो गई तो यहाँ से हम इस गलती से यह करके अब इससे बड़ा वाला एग्जाम निकाल लेंगे अब इससे बड़ा वाला एग्जाम निकालेंगे थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय Are you ready to fulfill your dreams? Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to take one step closer to your dreams? It's time to experience something glorious. Example banking classes. एक ऐसा महासंग्राम जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स को लाएगा अपनी मंजिल के करीब। Road is stuff बट यू आर टफ इस यूट्यूब चैनल आरोप होती है सारे बैंकिंग एग्जाम की क्लासेज अगर ये नहीं जानते तो आज ही जुड़िए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज जहाँ आपको मिलेगी सभी बैंकिंग एग्जाम की क्लासेज फायर बेस्ट बैंकिंग फैकल्टी रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और प्राप्त कीजिए ऑल इंडिया रैंक इन योर बैंकिंग एग्जाम फॉर फ्री क्लासेज सब्सक्राइब टू एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेज एंड प्रेस फॉर मोर